अबे बेटा देख तो ये रेड क्रिमिनल कहाँ रह गया। मैंने उसे सुबह भेजा था बाजार में जरूरी सामान लाने, अभी तक नहीं आया। अरे चाचा वो तो कब का आ गया है, अभी बाहर किसी के साथ कलेक्शन वर्सेस कर रहा है। अबे साले तेरे को तो मैं 38 बार हरा चुका हूँ कलेक्शन वर्सेस में, फिर भी क्यों मुंह उठा के सड़ा आता है। अबे नुबड़े चला जा, आज गन कलेक्शन वर्सेस करते है, चल शुरू हो जा। अबे नुबड़े तेरी शक्ल देख के मुझे याद आ जाती है हिप्पू की टट्टी, और ये देख मेरे पास है पोकर MP40। अबे तो फिर तू जाता ही क्यों है 30 करने हिप्पू को लेके, और ये देख मेरे पास है ड्रेको एके। अबे जाना पड़ता है क्योंकि मैं हो जाता हूँ सुबह 30 करने में लेट, पर कोई ना, ये देख मेरे पास है इंक्यूबेटर वाली XM8। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तू 30 करने जा जल्दी या लेट, ये देख मेरे पास भी है इंक्यूबेटर वाली XM8। नुबड़ा सामान देने नहीं आ रहा है, पर कब से बाहर टट्टी टट्टी कर रहा है। अच्छा तेरे पास XM8 है तो मेरे पास भी ये ड्रेको एके है, समझा। और अब ये मैक्स कार तेरे खानदान में भी है किसी के पास, और अब ये देख ड्रेको M10, इसे मैक्स करवाने में तेरा घर जाएगा। बहुत हो गया, अब मुझे ही इस नुबड़े के पास जाना पड़ेगा। कोई क्रिमिनल सामान लाया कि नहीं? अरे नहीं शाशा यार, वो तो मैं भूल गया, फिर कभी ले आऊंगा, ठीक है। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर अभी तू बोल रहा था तेरे पास ड्रेको AK M10 कार वो सब है, तो वो सब आया कहां से तेरे पास? नहीं शाशा, मेरे पास तो बस ये MP40 है जो आपने मुझे मेरे हैप्पी बर्थडे पे गिफ्ट की थी। और नहीं आदम, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास सारी लेजेंडरी गन्स है। अच्छा तो मैंने तुझे जो पैसे दिए थे सामान लेने के, उस पैसों से तूने ये सारी गन्स खरीद ली, यही बात है ना? हाँ शाशा, अब वो नए फालतू के फ्रिज का हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी गन्स खरीद लूँ, ये सब काम की चीजें है, सही किया ना मैंने। अबे क्या तू ऐसे पैसे उड़ा रहा है, मेरे घर पे पैसे छापने की मशीन है क्या? हाँ है मशीन पैसे छापने की, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू फालतू की चीजों पे पैसे बिगाड़ेगा। हाँ ठीक है शाशा, चलो मैं सब कुछ समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो हाँ मेरे प्यारे शाशा। अबे आदम ये तेरे भोलेपन का फायदा उठा रहा है, इसे सुधारना जरूरी है। हाँ सही कहा ब्रो, सुन क्रिमिनल, मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे फ्रिज खरीदने के लिए, पर तूने उस पैसों की गन्स खरीद ली। अब जब तक वो 50,000 तू मुझे वापस नहीं देगा तब तक मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। ठीक है शाशा मंजूर है। और नूबड़े कहेंगे तेरी वजह से आज मैं बेघर हो गया, पर याद रखना इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अरे चाचा आज ये थोड़ा ज्यादा हो गया, क्रिमिनल की औकात 50 रुपए कमाने की नहीं है, और वो 50,000 कहाँ से कमाएगा? वो सब मुझे नहीं पता, पर उसे 50,000 रुपए कमाने ही होंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरे तेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है ब्रो, ये बात सुन के मेरी नाक से आंसू निकल गए, यहाँ पर मैंने गलत किया है तो अब भुगतना तो पड़ेगा। चल अब तू मुझे ये बता कि मैं पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँगा। देख मैं तेरा रियल फ्रेंड हूँ, मैं तुझे सही आइडिया ही दूंगा, हम दोनों मिलके बैंक लूटते हैं। हाँ सही कहा मेरे दोस्त, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अरे वो देख वो तो डीनो है, उसने अपनी नई कार ले ली क्या? कल तक तो ये नुबड़ा था, अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास? अरे ब्रो उसका फ्रूट्स के जूस का ठेला है, बहुत नोट छापता है साला। अरे क्या बात कर रहा है, ये जूस के धंधे में इतना पैसा है क्या? हाँ ब्रो बहुत पैसा है उस धंधे में, एक काम कर तू भी ठेला लगा दे, मैं सारी चीजों का अभी इंतजाम करवा देता हूँ, ठीक है। अरे ससुरा वो सुना तूने, क्रिमिनल को आदम ने घर के बाहर निकाल दिया, वो भी लात मार के। देखो इसलिए उस ससुरे ने यहाँ जूस का ठेला लगाया है, अभी उसको मालूम पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाते हैं। चलो ताजे ताजे फलों का जूस पीड़ो, उस दिनों से तो अच्छा ही मिलेगा, इधर आ जाओ सारे लोग आ जाओ। अरे मोटा भाई मैं 10 दिनों से जूस का धंधा कर रहा हूँ, और ये कल का लौंडा क्रिमिनल मेरा धंधा भांगेगा। ये सही बात कहा दिनो अन्ना, आपके जैसा जूस तो कोई नहीं बना सकता। सुनो यहाँ ताजे फलों का जूस मिलेगा, और वो भी दिनों से आधे भाव में, चलो लूटो जल्दी। अरे भाई लोग सोना, ये तो आधे दाम में दे रहा है, चलो जल्दी क्रिमिनल का जूस पीने। अरे क्रिमिनल सबसे पहले मेरे लिए पोटेटो जूस बना। अरे नहीं क्रिमिनल, मेरे लिए सबसे पहले सांबर जूस बना। सुनो
धक्का मुक्की मत करो, सबको जूस मिलेगा, सरो लाइन में खड़े रहो। अरे इस नूब ने तो मेरा धंधा चौपट कर दिया, अब कुछ दूसरा धंधा करना पड़ेगा वो। अरे वाह भैया जी, आप तो बिल्कुल ऑफिस जूस बनाते हो, ऐसा लगता है कि फ्रूट को अभी अभी पेड़ से तोड़कर उसका जूस निकाला हो। हाँ बड़ो, मैं एकदम ताजे फलों का जूस देता हूँ, दिनों की तरह बासी फ्रूट नहीं होते मेरे पास। पर एक बात समझ में न आई, ये नूबड़ा इन सबको इतने सस्ते में जूस कैसे पिला रहा है? और क्रिमिनल का धंधा तो अच्छा चल गया, और कुछ दिन बाद वही आदम शाशा 50,000 मांग रहे थे ना मुझसे, मैं उनको 1,00,000 दे देता हूँ, वो भी क्या याद रखेंगे। आदम शाशा ये लो 1,00,000 रुपए। क्या बात है भाई, तूने तो बहुत जल्दी कमा लिया, वैसे तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? नहीं शाशा, ईमान का कमाता हूँ और मेहनत की 2 रोटी, 10 बर्गर, 60 पिज्जा और 60 में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। और सुनो, आप ये पैसे गिन लो, फिर बोलना मत के कम थे, ठीक है? अरे नहीं क्रिमिनल, मुझे गिनने की जरूरत नहीं है, मैं सुंघ के बता देता हूँ कि पैसे कितने हैं। ये 1,00,000 ही है, पैसे बराबर है। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ, कभी फुर्सत मिले तो इस अमीर के जूस के ठेड़े पे जरूर आना जूस पीने। अरे बाबू मौसा, ये आपने कैसे पेड़ दिए हैं? साला फल ही नहीं देते हैं, बस मुफ्त का पानी और धूप तोड़ते रहते हैं, और ऊपर से आप बोलते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ तो फल ही नहीं मिल रहा है, ना तीखा, ना खट्टा, ना मीठा। अरे बंटा, तू टेंशन मत ले, अपुन आगे ला है ना, अभी इन पेड़ों को खर्चा पानी देता है, फिर देख कैसे ये टपाटप फल गिराते है। डॉक्टर साहब, अब मैं खर्चा नहीं उठाने वाला, कोई देसी इलाज हो तो बताओ। सेमड़े एक काम कर, तेरे को धनक दिन ता नाचना पड़ेगा इन पेड़ों के सामने, तभी वो हैप्पी होकर तेरे को फल देंगे, समझा? ठीक है बाबू मौसा, ये भी ट्राई कर लेते हैं, अब मैं नाचेगा। भैया जी, आप सस्ते में बहुत अच्छा जूस दे देते हो, आप तो महान हो। अरे क्रिमिनल, तेरे चाचा को जूस नहीं पिलाएगा? अरे आइए आइए शाशा, जरूर पिलाऊंगा, एकदम फ्रेश। अरे क्रिमिनल, बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, मुझे गर्व है तेरे पे, ऐसे ही मेहनत करते रहे और बड़ा इंसान बन। अबे ओ चाचा, रुको, टाइम प्लीज, मुझे तो ये चीटर लगता है, हम कैसे मान ले कि ये हमें ताजे फलों का ही जूस पिला रहा है, मुझे तो लगता है ये बासी फलों का जूस पिलाता है हमें। हाँ वैसे सही बात है, ऐसा हो सकता है। अरे यार, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हो, मैं रोज आपको सीधा पेड़ से फल उतार के उसका जूस बना के आपको पिलाता हूँ। अरे पर हम कैसे मान ले तेरी बात, हमें कोई सबूत चाहिए। अच्छा सबूत चाहिए ना तेरे को, तो रुक, मैं अभी ताजे फल तोड़ के उसका जूस बना के तुझे पिलाता हूँ, जैसे मैं रोज बनाता हूँ। मेरा दिल ये पुकारे फल, तू आ जा। अरे बापरे, ये नुबड़ा तो यही नाच रहा है, भागो। अरे कहाँ भाग रहा है, बनाना जूस नहीं बड़ो, अब दुकान बंद कर दिया। अच्छा नुबड़े, तो रोज तू मेरे फल चोरी करता है, मैं तो मेरे बेचारे पेड़ों पे शौक करने लगा था। आदम, जरूर ये तेरा ही प्लान होगा, तू इस नुबड़े से मेरे फल चोरी करवाता है। अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं क्रिमिनल को पहले ही रोक लेता। और आप टेंशन मत लो, आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसके पैसे मैं दे दूंगा। बात पैसों की नहीं है, बात फीलिंग्स की है, अब तो मेरे पेड़ों को तभी खुशी मिलेगी जब मैं क्रिमिनल को पीटूंगा। ये क्रिमिनल कभी नहीं सुधरेगा, उल्टे सीधे काम ही करता रहता है, उसकी वजह से लोग मुझे सुनाते हैं। अरे सासा, तो फिर सुनते ही क्यों हो, सुनना बंद कर दो। अबे नुबड़े, तू घर में कैसे घुसा? सासा सिंपल दरवाजे से घुसा। अबे तू ऐसे आउटडेटेड जोक्स मत मार मेरे सामने, और तू कब सुधरेगा, ऐसे गलत काम ही करते रहता है, कभी तो अच्छा काम कर लिया कर। ठीक है सासा, टेंशन मत लो, मैं अभी से सारे बुरे काम बंद कर दूंगा, अब से सिर्फ ऐसे काम ही करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, पर कहाँ जा रहा है अब? सासा मैं ऐसे काम करने जा रहा हूँ, और सुनो, कोई ऐसा काम करने जा रहा हो तो उसे टोकते नहीं है। और क्रिमिनल गया था अच्छे काम करने, पर वो कोई अच्छा काम नहीं कर पाया, तो अब वो क्लॉक टावर लौट आया। ओए अरे यार, इस जमाने में ऐसे काम करना तो बहुत मुश्किल है, अब सासा को क्या मुँह दिखाऊंगा। अबे आलोक, तू क्लियर आउट है, चलो बैट रख दे, अब बैल की बारी है बैटिंग की। अरे भैरव देखो, मैं वापस आ गया ऐसा आदमी बन के, और ये क्या क्रिकेट खेल रहे हो, मुझे पता ही था, इसलिए मैं बोर्ड ले आया, ये लो खेलो खेलो। अरे पर ससुरा मार का है रहा है बे, क्या बात है, तो तू अच्छा आदमी बन गया है, इसका मतलब अब तो तू सबकी मदद करेगा। हाँ ब्रो सही पकड़े है, मैं सबकी मदद करूंगा। तो एक काम कर, मुझे ये तेरी येलो मर्सिडीज दे दे, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अरे इतनी सी बात, तो ये मर्सिडीज तू रख ले। वाह क्रिमिनल, लगता है तू अब तो सच में अच्छा आदमी बन गया है। तो सुन, आज से ये कार मेरी है, इसे वापस मत मांगना, ठीक है? ठीक है, आज से ये कार तेरी। बुद्धू कहीं का, इतनी महंगी कार मुझे दे दी अच्छा आदमी बनने के चक्कर में। अरे आज तो कैसे भी करके राजा साहब की गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे बापरे, ये क्या पुलिस क्लॉक टावर पे
पहुंच गई, अब तो भागना पड़ेगा वरना हवालात में डाल देंगे। अरे ये कार तो बिल्कुल वैसी ही दिख रही से, चेक कर लेता हूँ। अरे हाँ ये तो राजा साहब की ही कार से, तो नुबड़े वो तू था जिसने राजा साहब की कार चोरी की। ये क्रिमिनल कभी नहीं सुधरेगा, क्रिमिनल ही रहेगा। अब तो मैं तुझे जेल में चक्की पिसवाऊंगा। अरे साहब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे हर चोर यही बोले से पकड़ाने के बाद। We'll be right back.